Now we are going to class 8 from M.L. Agrawal, exercise 13.2, question number 7. हम एक बार वीडियो बना चुके हैं, थोड़ा मोबाइल की खराबी कारण वीडियो नहीं बन पाया. So construct a rectangle ABCD such that AB is equal to 4 cm and angle BAC is equal to 60 degree. तो हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं rectangle. तो rectangle की हमें पूरी प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए जिससे हम और इजी कर सकते हैं. अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं, या ऑलरेडी सभी जानते हैं. इनके सभी एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री, और इनके आल्सो डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ये बात याद रखिएगा. चलिए AB करते हैं. सो AB यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये आपका 4 सेंटीमीटर पे ही है. सो ये लाइन हमने ज्वाइन कर दिया, ये A हुआ, ये B हुआ. अब यहाँ पे देखिए BAC 60 डिग्री, तो चलिए कंस्ट्रक्ट साथ में भी करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा. कंस्ट्रक्ट AB इक्वल टू हमने लिया 4 सेंटीमीटर. सो 4 सेंटीमीटर हमने यहाँ ड्रा किया, तो 4 सेंटीमीटर. अब इसके बाद हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी जानते हैं, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के लिए हम यहाँ पे 90 डिग्री ड्रा करेंगे. सो 90 डिग्री यहाँ पे हम 90 डिग्री ड्रा करेंगे, तो एग्जैक्ट वही पॉइंट पे आ रहा है. ये देखिए जो लाइन हम यहाँ पे इंटरसेक्ट कर चुके हैं, है ना, यहाँ पे भी हम करेंगे सेम. तो ये देखिए एग्जैक्ट ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट. तो इन्हें हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे. तो ये आपका 90 डिग्री, ये हमने ज्वाइन कर दिया. सेम यहाँ पे भी प्रॉपर्टी होती है. सो ये भी आपका 90 डिग्री है, ये हमने 90 डिग्री ज्वाइन कर दिया. ओके, ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे देखिए BAC 60 डिग्री, तो BAC हमेशा सेंटर वाले की ही डिग्री होती है, ये बात याद रखिएगा. तो BA यानी A से हमें 60 डिग्री ड्रा करना है. सो हम यहाँ पॉइंट रखेंगे, ये आपका 90 डिग्री पे है, और ये देखिए एग्जैक्ट 60 डिग्री पे ही है. ओके, सो हम इसे क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, और देखते हैं जहाँ पे भी ये जो इंटरसेक्ट करेगा आगे जाके, वही हमारी लाइन क्या कहलाएगी, सी या AB, और ये हुआ आपका सी पॉइंट. इस लाइन को हम एक्स भी बोल सकते हैं, और ये लाइन को हम पी, ठीक है, ओके, तो पी इसे बोल दिया, तो इसे चलिए क्यू कर देते हैं, ये हो गया. अब देखिए ये 4 सेंटीमीटर है, तो जितना डिस्टेंस आपने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ड्रा किया, रेक्टेंगल में ऊपर भी होगा, तो यहाँ पे देखिए ये आपका 4 सेंटीमीटर एग्जैक्ट हुआ, तो यहाँ पे भी हम रखेंगे. सो यहाँ पे आप अगर सोचे ऐसे, तो ये लाइन पे ही जाएगा, तो इसलिए डायगोनल इक्वल होते हैं. तो डायगोनल जब इक्वल होते हैं, तो हम इसका डिस्टेंस ही ले लेते हैं, ये देखिए डायगोनल ये हुआ, तो उतना ही डिस्टेंस पे आप यहाँ पे रखिए और इसे कट मार्क कर दीजिए. जिस जगह पे कट मार्क हुआ, वो पॉइंट आप कहलाया डी, ये आपका डी पॉइंट हुआ, और इसे ज्वाइन कर लीजिए, ये आपका रेक्टेंगल रेडी हो गया. ये रेक्टेंगल रेडी हो गया. ओके, शायद आपको समझ में भी आ गया होगा. और ये आपका 60 डिग्री हुआ, और ये आपका कट मार्क डी पॉइंट ABCD. चलिए स्टेप करते हैं. हम कंस्ट्रक्ट करने के बाद क्या किया, 90 डिग्री किए दोनों पॉइंट पे, तो हम सेकेंड नंबर स्टेप करेंगे फर्स्ट नंबर के बाद. 8 द पॉइंट्स करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं बी एंड ए, ए एंड बी, ठीक है. सो एंगल बी ए, यहाँ पे हम एक्स कर लेते हैं, ठीक है, ये लाइन बी ए एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री ड्रा किए, एंड ए बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी हो गया. देन थर्ड हमने कंस्ट्रक्ट किया BAQ, कंस्ट्रक्ट उसके बाद हमने 60 डिग्री किया, तो एंगल BAQ इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, ये भी हो गया आपका रेडी. नाउ फोर्थ, अब हमने क्या किया उसके बाद, ये आपका जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ 8 पॉइंट C, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 8 पॉइंट C, है ना, 60 हुआ 8 पॉइंट C पे वो इंटरसेक्ट हुआ.
फोर्थ नंबर हमने क्या किया, सी तो हो गया, अब हम डिस्टेंस कहाँ से लिए, एट पॉइंट सी से, तो एट पॉइंट सी विथ रेडियस, कितना रेडियस लिए सी से इंटरसेक्ट कर कट करने के लिए 4 सेंटीमीटर, क्योंकि भाई फ्रंट टू फ्रंट इक्वल होते हैं ना, ये इक्वल है, ये भी इक्वल होगा जितना ये है, तो एट पॉइंट सी विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर कट ऑफ, कट ऑफ एट पॉइंट डी, पॉइंट डी रेडी, सो रिक्वायर्ड ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, ये आपका रेडी हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल सच दैट वन डायगोनल 6.6। अब देखिए हमने आपको अभी बताया कि रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, चलिए ठीक है, और सिर्फ डायगोनल्स दिया 6.6 और एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स 120 डिग्री, तो हम सबसे पहले एसी यहां पे करेंगे 6.6, सो एग्जैक्ट ये आपका 6.6 हुआ, ओके। और जो डायगोनल्स होते हैं वो जहाँ से इंटरसेक्ट करते हैं उसे टू पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अब दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं तो सभी इक्वल होंगे, हाफ हाफ, सो ये आपका एसी हुआ, तो एसी का हाफ ये पॉइंट हुआ ओ। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके रखा था थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो हमने आपसे पहले ही बता दिया कि थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, आप देख भी सकते हैं, ये 6.6 का हाफ अगर करेंगे 3.3 पे आएगा, ये देखिए 3.3 पे है, सो ये पॉइंट ओ होगा। अब ओ के बाद यहाँ पे दोनों डायगोनल्स के बीच 120 डिग्री है, तो यहाँ पे हम रखेंगे और ये आपका 120 डिग्री पे, यहाँ से आपका ये 120 डिग्री है ये पॉइंट, ओके, ये देखिए पहले से है ना, ये आपका 120 डिग्री है, सो ये 120, और डाउन साइड से भी आप अपोजिट साइड से भी आप करेंगे, सो ऐसे करके तो आपको 120 डिग्री ये पॉइंट है, ठीक है, तो ये आपका ऑलरेडी लाइन क्लियर हो जाएगा, सो यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे ओ पॉइंट से 120 डिग्री ऐसे हम ज्वाइन कर देंगे, ये आपका आ गया 120 डिग्री, सो ये आपका 120 डिग्री क्लियर। अब ये रेक्टेंगल है, अब देखिए हमने आपको बताया कि सभी इक्वल होंगे क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं दोनों दोनों जब डायगोनल्स इक्वल होंगे और तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे इक्वली डिस्टेंस करेंगे, ये जितना होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा उतना ये भी होगा, तो श्योर है कि ये सभी क्या है, यहाँ पे ये भी आपका डायगोनल्स है, तो जितना ये डिस्टेंस है, ये देखिए सी में जितना डिस्टेंस होगा, ये पॉइंट देखिए है ना, तो उतना ही इस लाइन में भी आप इंटरसेक्ट कर दीजिए और उतना ही आप डाउन साइड भी कर दीजिए यहाँ पे भी, तो ये आपका कट मार्क हुआ, देख सकते हैं आप, ये आपका कट मार्क हुआ। अब इसे हम सभी को ज्वाइन कर देंगे और हमारा रेक्टेंगल रेडी हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, एंड लास्ट ये आपका रेक्टेंगल रेडी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कंस्ट्रक्ट हमने क्या किया, पहले 6.6 को हाफ किया 3.3, तो ये भी 3.3 पे होगा और ये भी आपका 3.3 पे होगा, तो OA जो होगा वो AC का हाफ होगा, ये हमने लिख दिया AC, तो 6.6 3.3 हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 120 डिग्री ड्रा किया, तो देखिए 8.0 ड्रा एंगल COB, CO और ये आपका B है और ये क्या है आपका D, COB 120 डिग्री, तो ये 120 डिग्री ये पूरी लाइन इंटरसेक्ट होके जा रही है, या फिर है ना, ये हो गया। अब हमने इसके बाद क्या किया, कट मार किया, तो कट आप OB इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर लेके यहाँ पे भी कट, यहाँ पे भी कट, और इसे हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमने ज्वाइन कर दिया, ABCD इज अ रेक्टेंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9,
कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस हुज वन साइड इज, देखिए पहले रोम्बस समझते हैं फिर उसके बाद हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि फोर साइड्स आर इक्वल, सबसे इम्पोर्टेंट, लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं होते, इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं और जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करते हो क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। क्लियर? अगर ये प्रॉपर्टी है हमारे पास तो हम बड़ी आसानी से इसे समझ सकते हैं। देखिए वन साइड 5 सेंटीमीटर, तो चलिए वन साइड 5 सेंटीमीटर ड्रा कर लेते हैं। ये आपका 5 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है, ये पॉइंट हुआ ए एंड बी। क्लियर? अब यहाँ पे वन एंगल इज 45, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे रख के हम यहाँ पे, ये आपका 45 डिग्री हुआ, ठीक है। सो 45 डिग्री को यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, ये आपका ज्वाइन हो गया 45 डिग्री, यहाँ पे हम कर देते हैं 45 डिग्री। अब ये कितना सेंटीमीटर था, 5, तो अभी हमें जस्ट आपको बताया कि ये सभी साइड्स क्या होते हैं, 45 डिग्री होते हैं, ठीक है भाई। तो सभी 45 डिग्री होंगे तो क्यों ना इसका लेंथ हम कट ऑफ आर के अकॉर्डिंग कर लें। ये देखिए 5 सेंटीमीटर, सो यहाँ पे आप कट कर दीजिए। उसके बाद आप बी पे भी इसे, पॉइंट बी से भी आप इसे कट मार कर दीजिए। अभी कट मार्क हुआ, ठीक है, इंटरसेक्ट यहाँ पे हो गया, आप देख सकते हैं ये आपका इंटरसेक्ट पॉइंट है। अब यहाँ से भी तो ये 5 सेंटीमीटर होगा ना, तो हमारा वही सेम डिस्टेंस होगा, ये आपका 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर। तो जिस जगह में कट मार्क हुआ ये आपका पॉइंट हुआ, तो ये आपका बन चुका रोम्बस। तो ये सी हुआ, ये पॉइंट डी हुआ, बस इसे ज्वाइन करना है। सो ये ज्वाइन हो गया। अब सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ कंस्ट्रक्ट ए पी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन आफ्टर, अब हम यहाँ पे क्या किए, 45 किए थे सेकंड पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 पॉइंट ए ड्रा एंगल बी ए, और इस लाइन को हम कर लेते हैं पी, सो बी ए पी इज इक्वल टू 45। नाउ थर्ड, उसके बाद हमने क्या किया, कट मार्क किया, तो कहाँ से, पॉइंट ए से, तो कट ऑफ ए डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो फोर्थ नंबर, अब बी से भी किए हैं, तो टेकिंग पॉइंट पी एज रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड कट ऑफ एन आर्क, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ आर कट किया, अब ये पॉइंट डी से हमने इसमें इंटरसेक्ट किया, तो फिफ्थ नंबर हम क्या करेंगे, सेम टेकिंग पॉइंट डी एज रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड कट ऑफ पॉइंट सी। सो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस हुज वन साइड 4.5, ठीक है, चलिए 4.5 ड्रा करते हैं, ये आपका एक्सेप्ट 4.5, ये हुआ आपका 4.5, ओके। अब यहाँ पे वन डायगोनल दिया है, अब वही बात हो गई ना कि जब 4.5 है तो क्यों ना हम सभी साइड्स इक्वल होते हैं तो इसका एग्जैक्ट डिस्टेंस लेके हम एक कट मार्क कर लें दोनों पॉइंट से। तो ये आपका एक कट मार्क हुआ आर्क, और एक ये हुआ आपका, चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरा दिया वन डायगोनल 5 सेंटीमीटर, ठीक है 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये आपका हुआ 5 सेंटीमीटर, राइट। अब 5 सेंटीमीटर लेके आप जहाँ पे भी ये कट मार्क हो वहाँ पे आप कट कर दीजिए, ये आपका कट मार्क हुआ और यही आपका डायगोनल डिस्टेंस हुआ,
अब इसे ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये हो गया आपका डी पॉइंट, डी क्यों, क्योंकि ए बी सी एंड डी, तो ये डी पॉइंट हुआ। अब सी कैसे बने, तो सिंपल, क्यों, क्योंकि इक्वल ही डिस्टेंस होगा, जैसे कि इसका डिस्टेंस है इतना यहाँ से डाउन साइड, राइट, जितना डिस्टेंस होगा, देखिए इसका भी उतना ही डिस्टेंस है, ये देखिए इक्वल है, ये भी इक्वल है, सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो क्यों ना हम पॉइंट डी से इसे रख के यहाँ पे कट कर दें, जहाँ पे भी कट होगा वो उसका एग्जैक्ट पॉइंट होगा और आपका ये रोम्बस रेडी होगा। बस यही सिंपल है आपका, और इसे आप ज्वाइन कर दीजिए और ये आपका रेडी हो गया रोम्बस। ये क्लियर हुआ आपका रोम्बस। डायगोनल्स था तो डायगोनल्स भी ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा, जिससे हमने लिया, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। नाउ स्टेप क्लियर कर देते हैं। कंस्ट्रक्ट सबसे पहले हमने 4.5 किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक कट मार्क यहाँ भी किया, एक कट मार्क बी पॉइंट से किया। तो टेकिंग एज अ सेंटर 4.5 सेंटीमीटर रेडियस कट ऑफ एन आर बी एज अ सेंटर, सेम बी एज अ सेंटर एंड 4.5 सेंटीमीटर रेडियस कट ऑफ एन आर्क, क्यों, आर्क बस हमने किए किसी पॉइंट में तो किए नहीं, फिर उसके बाद हमने बी पॉइंट से क्या किया, डी पे कट करिए डायगोनल्स के अकॉर्डिंग। तो टेकिंग बी एज अ सेंटर एंड कट ऑफ एट पॉइंट डी विथ रेडियस हमने बाद में कर दिया 5 सेंटीमीटर, सेम टेकिंग पॉइंट डी, डी पॉइंट हम लेंगे एज अ सेंटर एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि सभी साइड्स हैं, एंड कट ऑफ पॉइंट सी, ज्वाइन ए डी बी सी एंड सी डी, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस हूज डायगोनल, देखिए दो डायगोनल्स दिए हैं लेकिन साइड एक भी नहीं है इस बार, चलिए कोई बात नहीं, ये आपका 6.8 लाइन ड्रा हुआ, इसे हम कर लेते हैं ए एंड सी, क्योंकि डायगोनल तो सेम हो नहीं सकते कि ए से बी हो जाए, डायगोनल्स किसे बोलेंगे, जैसे ये मान लीजिए ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, तो ये तो ए बी सी डी डी ए सब एडजेसेंट साइड हो गए, आपका ये हो गया डायगोनल ए से सी, या तो फिर बी डी आप ले लीजिए, ठीक है, और जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करते हो कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ये भी बात याद रखिएगा, और सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए ए सी तो क्लियर हो गया। अब श्योर है कि ये दोनों डायगोनल्स कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करते हैं, तो कहाँ पे करेंगे वो देखते हैं। ये हुआ आपका 6.8, तो 6.8 का हम हाफ करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 3.4 पे करते हैं, सो 3. आपका 4 ये हो गया, ओके 3.4, सो ये पॉइंट हुआ आपका पॉइंट ओ, तो ये आपका 3.4 हुआ और ये आपका 3.4 हुआ। अब ये 90 डिग्री होते हैं, हमने आपको जनरली बता भी रखा है, सो यहाँ पे आप रख के इसे 90 डिग्री ड्रा कर लीजिए, सो ये आपका पॉइंट हुआ, और इस जगह में हम यहाँ पे थोड़ा सा एक ड्रिल कर लेते हैं, इसे क्लियर रहे, ये आपका 90 डिग्री हुआ, ओके। और डाउन साइड भी आप कर लीजिए, क्योंकि दोनों साइड ही होंगे डायगोनल्स, सो ये आपका पॉइंट हुआ और ये आपका डाउन साइड नहीं दिख रहा है, लेकिन हम ड्रा कर दे रहे हैं 90 डिग्री, ओके। अब इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे ज्वाइन कर लेते हैं इस पॉइंट से करके और ये पॉइंट तक, ये आपका हुआ 90 डिग्री का लाइन ड्रा। अब यहाँ देखते हैं दूसरा, ये तो दूसरा डायगोनल है, ये एक डायगोनल, तो ये दूसरा डायगोनल, ये कितना है 5.2, तो 5.2 को भी 2 से डिवाइड कर लीजिए, भाई वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, ये सभी इक्वल होते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 2 4, 1 रिमाइंडर, 2 6 12 2.6, तो 2.6 का आप मेज़र करके इसमें कट मार्क कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। सो ये हो गया आपका 2.6, राइट। अब यहाँ पे आप रखिए, जहाँ पे भी ये कट मार्क हो वहाँ कट कर दीजिए, सेम प्रोसेस आप डाउन साइड भी आप इसे कर दीजिए, और ये जहाँ पे भी आपका कट हो वहाँ पे आप कट कर दीजिए। कट मार्क करने के बाद इसे हम ज्वाइन कर देंगे 1:1, ये आपका ज्वाइन हो गया। नाउ स्टेप देख लीजिए, हमने ये सब ज्वाइन कर दिया।
कंस्ट्रक्ट ए सी इक्वल टू 6.8, हमने 6.8 लिया और उसे हाफ कर दिया ओ एंड ओ सी में, तो ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ 1/2 इंटू 6.8 मीन्स जो वहाँ पे सॉल्व किया था कितना आया था 3.4 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 90 डिग्री, तो देखिए कंस्ट्रक्ट एक पॉइंट ओ एंगल सी ओ, एक लाइन इसे पी मान लिए इसे क्यू, 90 डिग्री यहाँ पे हमने 90 डिग्री ड्रा किया और यहाँ पे भी हमने 90 डिग्री ड्रा किया, तो श्योर है कि सभी 90 हो जाएंगे, ये रोम्बस की एक प्रॉपर्टी है। फ्रॉम पॉइंट ओ विथ रेडियस 2.6, अब 2.6 लेके यहाँ भी कट कर दिया, यहाँ भी कट कर दिया, वही बात हो गई, अभी 2.6 कहाँ से हमने सॉल्व भी कर दिया और उसके बाद ज्वाइन और ये आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हूज वन साइड 4.3 सेंटीमीटर। तो पहले हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी समझते हैं, स्क्वायर में तो सभी कुछ इक्वल होते हैं, आई थिंक साइड तो इक्वल होते ही हैं, डायगोनल्स ठीक है, और ये भी 90 डिग्री होते हैं, जैसे कि अभी हमने रोम्बस में अटेंड किया, कॉर्नर भी 90 डिग्री होते हैं, रोम्बस में तो नहीं होते, चलिए ठीक है इतना ही काफ़ी होगा क्योंकि 4.3 सेंटीमीटर दे दिया गया है। सो ये हुआ आपका 4.3 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि सभी साइड जब इक्वल होते हैं तो 4.3 सेंटीमीटर से हम कट मार भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे ये पॉइंट हुआ और ये पॉइंट हुआ, श्योर है कि ए से बी है तो यहाँ श्योर है सी होगा और यहाँ डी होगा, तो इसका डिस्टेंस भी तो इक्वल होना चाहिए, इससे बाहर तो हो ही नहीं सकता, हम पहले से ही बनाए लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। चलिए ये तो क्लियर हो गया, अब बात करते हैं 90 डिग्री होता है, जैसा कि अभी हमने जनरली आपको बताया, तो 90 डिग्री ड्रा कर लेते हैं, सो आपका और क्लियर हो जाएगा और हमारा आंसर भी फाइंड हो जाएगा। सो पॉइंट यहाँ पे रखते हैं, ये आपका पॉइंट पे हुआ और ये आपका 90 डिग्री हुई, ओके, और यहाँ पे भी हम पॉइंट रख लेते हैं, ये लाइन ये पॉइंट पे हुआ और ये भी आपका 90 डिग्री हुआ, ओके। अब इसे जैसे हम ज्वाइन करेंगे हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा, अब इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, सो ये आपका 90 डिग्री ड्रा, ये आपका 90 डिग्री ड्रा और जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ वही तो हमारा आंसर हो गया। सो ए बी, ये आपका सी और ये डी, और इसे भी आप ज्वाइन कर दीजिए क्योंकि इंटरसेक्टिंग तो है ही है, और ये आपका कंप्लीट हो गया स्क्वायर, ओके। चलिए सिंपल तरीके से आपका स्टेप भी हो गया, सबसे पहले हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया ए बी, कंस्ट्रक्ट ए बी 4.3 सेंटीमीटर, उसके बाद हमने 90 डिग्री ड्रा किया, यहाँ भी 90 और यहाँ पे भी 90, तो बी ए पी हमने पी लिया, तो यहाँ पे हमने किया एट ए पॉइंट एक साथ लिख लिए ए एंड बी, ड्रा बी ए पी 90 डिग्री और ए बी क्यू 90 डिग्री, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट ए से रेडियस 4.3 के रेडियस में कट ऑफ किया डी पे और बी से सी पे कट ऑफ किया और जो पॉइंट हुआ वही हमारा एग्जैक्ट पॉइंट हो गया, तो टेकिंग हमने एक साथ कर दिया ए एंड बी एज अ सेंटर एंड रेडियस 4.3 सेंटीमीटर कट ऑफ एट पॉइंट्स डी एंड सी ज्वाइन और ये आपका आंसर क्लियर, ये आपका कंस्ट्रक्ट हो गया ए बी सी आई स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट करते हैं 13 नंबर, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हूज वन डायगोनल 6.2। अभी हमने आपको बताया कि स्क्वायर में डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं भाई, और यहाँ पे क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं जैसे कि रोम्बस में भी आपने देखा, तो चलिए 6.2 यहाँ पे करते हैं, ये आपका 6.2 हुआ एक डायगोनल, अब डायगोनल श्योर है कि ए से स्टार्ट भी करेंगे तो डायगोनल्स तो ए सी होगा या तो बी डी होगा, तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ए सी, तो यहाँ पे 6.2 दिए हुए हैं, तो भाई ये आपका पॉइंट हमने सेंटर पॉइंट ले लिया, अब 6.2 को हाफ करेंगे तो 3.1 और ये 3.1, तो ये सभी 3.1 होंगे और ये कितने डिग्री होते हैं 90, तो बस एक लाइन आप 90 डिग्री ड्रा कर दीजिए, बस हो गया आपका सिंपल, यहाँ पे आप रखेंगे, यहाँ पे आपका 90 डिग्री है ये पॉइंट, ओके, और आप डाउन साइड भी कर सकते हैं 90 डिग्री, सो ये आपका हुआ 90
डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। ओके, अब इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे ज्वाइन करेंगे ये हमारा रोम्बस रेडी भी हो जाएगा लगभग लगभग 90%। सिर्फ ज्वाइन करना है बस। अब हमने आपको बताया कि इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 3 पॉइंट है तो सभी 3.1 होंगे यहाँ से सेंटर पॉइंट से। तो बस आपको ये सेंटर पॉइंट्स को कवर करना है और यहाँ पे भी आप कट कर दीजिए और एक डाउन साइड भी आप कट कर दीजिए, वही आपका एग्जैक्ट पॉइंट हो जाएगा। क्लियर? अब ये आपका बन चुका है स्क्वायर, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब इसे हम ज्वाइन कर देंगे। आप कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। एसी हमने सबसे पहले किया 6.2 था, उसे हमने हाफ किया क्योंकि बाइसेक्टर है, क्योंकि हमें इधर भी यूज़ करना है। तो 3.1 इसका हाफ, तो ये भी आपका 3.1 होगा और ये भी आपका 3.1। उसके बाद हमने क्या किया, 90 डिग्री ड्रा किया, तो यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90। सो कंस्ट्रक्ट ए परपेंडिकुलर पी क्यू जो है ऑफ ए सी एट मीट पॉइंट ओ, ओ पे ये पॉइंट हो रहा है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अगर आपको 90 जनरली प्रॉब्लम हो रही है ऊपर ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे डाउन साइड, तो आप एक काम करिए 90 90 आपका ऐसे आप करके ड्रा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 90 आप कट कर, ये हो गया आपका 90 और डाउन साइड भी 90। सो ये हो गया। फ्रॉम उसके बाद हमने क्या किया, पी ओ और ये जो क्यू है कहाँ पे हमने कट किया, डी और बी पे। फ्रॉम पी ओ क्यू कट ऑफ ओ बी एंड ओ डी इज इक्वल टू 3.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द डिवाइडर, ज्वाइन ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिक्वायर्ड। आपका ये रेडी हो गया। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड एंड सॉरी फॉर दैट टुडेज वीडियो बिकॉज माई मोबाइल इज नॉट टू गुड। सो सॉरी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।